गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ओके, क्यों कहा जाता है डिवीजन को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन? ये एग्जांपल यहाँ दिया है, इसको मैं समझाऊंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा कि डिवीजन को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्यों कहते हैं। आनंद हैज 8 पीसेज ऑफ चॉकलेट पेस्ट्रीज। आनंद के पास 8 पीसेज हैं चॉकलेट पेस्ट्रीज के। देयर आर सम गेस्ट कमिंग फॉर डिनर एट हिज हाउस। कुछ गेस्ट उसके यहाँ डिनर के लिए आएंगे। ही गिव्स 2 पेस्ट्रीज टू ईच गेस्ट। वो हर गेस्ट को 2 पेस्ट्रीज देता है। हाउ मेनी गेस्ट आर देयर एट हिज हाउस। तो उसके हाउस में कितने गेस्ट हैं। तो उसने कैसे किया, अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि कितने गेस्ट हैं कैसे पता करेंगे, क्योंकि हमें तो नहीं बताया कि कितने गेस्ट आ रहे हैं। चॉकलेट पेस्ट्रीज रिमेनिंग आफ्टर गिविंग 2 पीसेस टू द फर्स्ट गेस्ट। उसने 2 पीसेस जो हैं फर्स्ट गेस्ट को दे दी। तो जब उसने 8 पेस्ट्रीज में से 2 पीसेस फर्स्ट गेस्ट को दे दिए तो कितनी पेस्ट्रीज बची? 6। 6 पेस्ट्रीज में से उसने फिर 2 पीसेस सेकंड गेस्ट को दे दिए तो 6 में से फिर 2 पेस्ट्रीज जब दे दी तो कितनी बची? 4। 4 पेस्ट्रीज में से उसने फिर थर्ड गेस्ट को 2 पेस्ट्रीज दे दी तो कितनी पेस्ट्रीज बची? 2। और वो 2 पेस्ट्री उसने फोर्थ गेस्ट को दे दी, अब एक भी पेस्ट्री नहीं बची है। वी कैन शो हाउ आनंद डिस्ट्रीब्यूटेड पेस्ट्रीज टू हिज गेस्ट एस। अब हमने इससे हमने देखा कि आनंद ने अपने गेस्ट को पेस्ट्रीज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की। 8 में से 2 फर्स्ट गेस्ट को दी तो 6 बची। 6 में से 2 दूसरे गेस्ट को दी तो 4 बची। 4 में से 2 थर्ड गेस्ट को दी तो 2 बची। और जो 2 पेस्ट्रीज थी वो उसने फोर्थ गेस्ट को दे दी तो उसकी पेस्ट्रीज खत्म हो गई। दस वी कैन सी दैट 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 4 टाइम्स। इस तरह से हमने क्या देखा कि जो 2 है यानी 2 पेस्ट्रीज हैं वो 8 पेस्ट्रीज में से कितनी बार सब्ट्रैक्ट हुई? 4 टाइम्स, 1, 2, 3 एंड 4। सो द नंबर ऑफ गेस्ट टू होम 2 पेस्ट्रीज ईच आर गिवन इज 4। इसका मतलब जो गेस्ट हैं, जो गेस्ट को पेस्ट्रीज दी गई हैं वो कितनी बार दी गई? 4 टाइम्स। दिस क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि कितने गेस्ट हैं? 4 गेस्ट हैं, क्योंकि उसने 2-2 पेस्ट्रीज हर गेस्ट को दी है। तो अगर 8 पेस्ट्रीज को उसने 4 टाइम्स दिया है यानी 2-2 पेस्ट्रीज दी हैं 4 टाइम्स, इट मीन्स 4 गेस्ट वहाँ पर हैं। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डिवीजन फैक्ट एज 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो इसको हम एक डिवीजन फैक्ट की तरह कैसे शो कर सकते हैं? ये जो पूरा प्रोसेस यहाँ हुआ है या पूरा प्रोसेस यहाँ पर हुआ है, 2-2 पेस्ट्रीज माइनस करते गए हैं, इसको अगर हम डिवीजन फैक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। कि 8 को जब हमने 2-2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो वो 4 पार्ट्स हमें मिले। ठीक है, सो एज मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन, कि जैसे मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन कहते हैं वैसे ही डिवीजन को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, नाउ डिवीजन ऑन अ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के ऊपर डिवीजन किस तरह से करना है? यू स्किप काउंट बैकवर्ड्स बाय 3 अंटिल यू रीच 0। आप 15 पे हैं, 15 से आपको 3 नंबर्स का बैकवर्ड लेना है, बैकवर्ड स्किप करना है जब तक कि आप 0 पर नहीं पहुंच जाते। तो 15 से जब 3 स्किप करेंगे बैकवर्ड हम 12 पे आएंगे, 12 से 3 बैकवर्ड स्किप करेंगे तो 9 पे आएंगे, 9 से 3 स्किप करेंगे बैकवर्ड तो 6 पे आएंगे, 6 से 3 स्किप करेंगे बैकवर्ड तो 3 पे आएंगे, और 3 से फिर स्किप करेंगे तो हम 0 पे आएंगे। तो हमने कितनी बार स्किप किया? 1, 2, 3, 4, 5, है ना। How many times do you have to skip count 15 to 0? You make up 5 skip counts. कि 15 से 0 पे आने के लिए हमने 5 skip लिए हैं. So 15 divided by 3 is equal to 5. यानी 15 को जब हम 3 से divide कर रहे हैं तो answer क्या आ रहा है हमारा? 5. ठीक है, तो यहाँ पे हमने minus करके सीखा कि हम कैसे divide करेंगे, या हमने number line के ऊपर backward skip लेकर सीखा कि हम कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसी पर बेस्ड हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है।
दैट इज 16B. फिल इन द बॉक्सेस, बॉक्सेस में फिल करना है हमें क्या, डैश थ्रीज इन 12, कितने थ्रीज हैं 12 में, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, और 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4. जब 12 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 4. क्यों, क्योंकि 3 को हमने 4 टाइम्स माइनस किया है. ठीक है, ऐसे ही हाउ मैनी टूज इन 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टूज इन 12, और 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6. कि 12 को के जब हम 2 पार्ट्स करते हैं, 2 माइनस करते हैं, तो कितने टाइम्स माइनस हुआ 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, नाउ राइट अ डिवीजन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. क्या करना है हमें, डिवीजन फैक्ट लिखना है ये जो सब्ट्रैक्शन हमें यहाँ दिखाया है उसके लिए. जैसे अब कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले जो यहाँ नंबर है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर. ठीक है, जिसको हम माइनस कर रहे हैं उसको लिखेंगे हम यहाँ पर, और जितने टाइम्स वो माइनस हुआ है 1, 2, 3, 4 उसको लिखेंगे यहाँ पर. ठीक है, सेकेंड वन 24 लिखेंगे सबसे पहले. ठीक, और 24 में से क्या माइनस कर रहे हैं हम बार बार, 4, तो 4 यहाँ लिखेंगे. 4 को कितने टाइम्स हमने माइनस किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 को लिखेंगे यहाँ पर. ओके, नाउ मैच ईच नंबर लाइन विद इट्स डिवीजन फैक्ट. अब नंबर लाइन पे जो डिवीजन फैक्ट हमें शो किया हुआ है हमें उसको उससे मैच करना है. तो यहाँ पर हमने देखो ध्यान से, 10 से हमें 0 पे पहुँचना है 2 स्किप्स में, यानी 10 को डिवाइड करना है 2 से. तो 10 से हमें 0 पहुंचना है 5 की स्किप लेते हुए. तो 5 की स्किप हमने कितनी ली है, 1, 2, यानी 10 को हमने डिवाइड किया है 5 से, तो कितने टाइम्स, 1 एंड 2. तो 10 को डिवाइड किया 5 से, आंसर क्या आया, 2. तो ये फर्स्ट ए जो है मैच करेगा थर्ड से. ठीक है, नाउ सेकेंड इज 12 से हम स्किप कर रहे हैं बैकवर्ड 0 तक, और 3 का हमें स्किप लेना है, और कितनी टाइम्स स्किप लिया है, 1, 2, 3, 4, यानी 12 से हमें 0 जाना है, 3 का स्किप लेना है, 4 स्किप हमने लिए हैं. ठीक है, तो B के लिए हो जाएगा फर्स्ट वन, एंड C बचा, C के लिए 16 से हमें जाना है 0, स्किप लेने हैं हमें 2 के, बैकवर्ड स्किप लेना है 2 का, तो आंसर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8, तो C का हो जाएगा. ठीक है, ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा एकदम घिचपिच हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये दोनों वर्क अभी आज आपको बुक में ही करने हैं, जो वर्क कॉपी में भेजूंगी मैं उसको आप कॉपी में करेंगे. ओके,